हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के फोर्थ वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है फोर्थ वीक में दिसंबर के। मैसेजेस फॉर लिब्रा इन द फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। The chariot, the tower, page of pentacles, and knight of swords। okay libra, तो queen of swords के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके partner बहुत rude behave कर रहे हैं इस समय, and वो कुछ ना कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे आप बहुत ज्यादा hurt हैं, क्योंकि जहां भी queen of swords रहता है वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच डिस्टेंस आए। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ शायद ये पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटेड है किसी चीज से। शायद ये पर्सन जो है अपना पेशेंस लूज कर रहा है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे डील करें, क्योंकि टेन ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच कमिटमेंट है, एंड आपने ये सोच लिया है कि आपको आगे साथ में रहना है, या आप ये सोच रहे थे कि आपको आगे साथ में रहना है, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि आपके पार्टनर शायद आपसे बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। अगर कम्युनिकेट करते भी हैं तो उनके शब्दों का चुनाव सही नहीं होता, एंड किसी भी छोटी सी बात को रखने के लिए वो इतने हार्श, इतने कड़े शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि शायद आप उनके लिए अब मैटर नहीं करते और आपका ये सपना टूट गया है, क्योंकि इसके बगल में द टावर है। अगर आप देखें यहां नीचे द टावर है, तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो अचानक से हो रहे हैं, जिनके बारे में शायद लिब्रा आपने सोचा नहीं था। एंड मुझे लगता है कि ये जो चेंज है ये टेम्प्रोरी है। ओके, सो अगर आपके पार्टनर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह बिहेव कर भी रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका वाकई में ऐसा कुछ करने का इरादा है। हो सकता है कि इस समय वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो, उनके पास बहुत सारी चीजें हो हैंडल करने के लिए, उनको कुछ समझ ना आ रहा हो, बट आप शायद कुछ ज्यादा सीरियसली चीजों को ले रहे हैं। द टावर के साथ आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये पर्सन आपको छोड़ के चला जाएगा, एंड शायद ये पर्सन हमेशा के लिए बदल जाएगा, वैसा नहीं रहेगा जैसा हमेशा से है, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स के साथ लिब्रा ऐसा हो सकता है कि आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं बहुत लंबे समय से हैं, हो सकता है आप में से कुछ के लिए चाइल्डहुड मेमोरीज भी हो। आप देखेंगे तो यहाँ पे दो किड्स हैं जो एक दूसरे को फ्लावर दे रहे हैं, और स्वीट मेमोरीज, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप चाइल्डहुड से साथ में हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये लंबा एक रिलेशनशिप हो सकता है आपके लिए, एंड ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। आपकी बहुत सारी स्वीट मेमोरीज हैं एक दूसरे के साथ, एंड
आपको यकीन नहीं हो रहा कि ये पार्टनर आपका क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन चुका है या जैसे इस समय बिहेव कर रहा है, आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने सोचा नहीं था कि वो कभी ऐसा भी बिहेव कर सकते हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है लिब्रा, एंड इसकी एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है और यह सबसे रेजोनेट भी नहीं करेगी। अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सेवन ऑफ वॉन्ड्स है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं चीजों को बदलने की, एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक एक चीज से आप लड़ रहे हैं ताकि आप इस रिलेशनशिप के लिए रास्ता बना सके। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हो सकता है कि आपका पार्टनर ही आपको क्वेश्चन करे कि अगर मैं आपसे फ्यूचर का कमिटमेंट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्या हमारा साथ में चल पाएगा गुजारा आगे, क्या हम एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में रहेंगे, या आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया। छोटी छोटी चीजों को लेकर यहाँ पे ये पर्सन इरिटेट हो रहा है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस समय आप बहुत परेशान हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका ढूंढ लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये पर्सन आपसे स्वीट बातें नहीं कर रहा है तो आप उसे छोड़ देने के इरादे में है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये पर्सन ऐसा नहीं है और ये सिर्फ टेम्पररी एनर्जी है नेगेटिव। सो यहाँ पे आप, मुझे लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके और सीरियस हो रहे हैं इस वीक में, और चाहे जितने एफर्ट करने पड़े आप करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे कार्ड है द चैरियट का। चैरियट के साथ चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं लिब्रा। हो सकता है कि अभी आप इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं, बट बदलाव आ रहे हैं। ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, ये आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, बट चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। एंड द चैरियट के साथ आपको लग रहा है कि आप इस स्पीड के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे, इस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लिब्रा। एंड द टावर के साथ आपको लग रहा है ये सारे चेंजेस बहुत ही थका देने वाले हैं, हार्ट ब्रेकिंग है, और कहीं ना कहीं टेन ऑफ कप्स के साथ आपका सपना टूटता जा रहा है एक लंबे रिलेशनशिप के लिए या एक जीवन भर के रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि शायद आप इस पर्सन से बहुत कमिटेड हैं ऑलरेडी। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये आप ही की मांगी हुई विश है लिब्रा, क्योंकि आपने ही ये मैनिफेस्ट किया है। एंड ये जो पेंटिकल है जो आपके हाथ में है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ही है। आप जानते हैं कि आपको इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, आपको इनसे बेहतर कोई और नहीं मिल सकता, क्योंकि ये पर्सन ऑलमोस्ट परफेक्ट है। और जहां तक बात रही मूड स्विंग्स की, तो वो हर किसी के साथ होते हैं। डेफिनेटली अपना रिलेशनशिप आप छोटे मोटे मूड स्विंग्स के कारण तो नहीं तोड़ सकते। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन पे गिव अप करना चाहते हैं, और ये आपकी एक तरीके से ये आपके लिए ब्लेसिंग है। आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं, बहुत ज्यादा कंपैटिबल हैं एक दूसरे के साथ। बट नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी से फिल्ड हैं, एंड अभी कुछ और कह रहे हैं, दो मिनट बाद कुछ और कहेंगे, एंड इनके मूड स्विंग से आप कुछ परेशान लग रहे हैं। बहुत जल्दी आपके एक्शंस को जज भी कर रहे हैं। यहाँ पे आप सेवन ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं, तो आप कुछ भी करेंगे उस पर बहुत जल्दी जजमेंट आएगा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, और आप अगर उन्हें अप्रोच करेंगे तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की तरह आपको फेस करना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो एकदम अटैक मोड में है। आप कुछ भी कर रहे हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्यों अभी तक जो कमिटमेंट आपने किया था वो पूरा नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से इनके अंदर पेशेंस नहीं है आप और एक्सक्यूजेस सुनने का लिब्रा, और मुझे लगता भी नहीं कि आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, क्योंकि आप उनको लेके सीरियस हैं। लेकिन ये चीज उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा,
एंड ओवरऑल रीडिंग ठीक ही है, बस ये है कि आपको थोड़ा सा डील करना पड़ सकता है अपने पार्टनर के मूड स्विंग्स से। तो ये थी रीडिंग आपके दिसंबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो। बाय।